नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक के बारे में। आप सबसे शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ, और इस टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस में हम जो है इसकी माइलेज भी चेक करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस गाड़ी की वो बताएंगे, क्या है इस गाड़ी के प्रोज, क्या है इस गाड़ी के कॉन्स, क्या ये आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो ये सब हम आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं, अपने राइवल से ये गाड़ी कंपैरिजन में कैसी है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से, तो चलते हैं राइड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका ट्रिप माइलेज जो है वो रीसेट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की। तो इस गाड़ी में दो तरह के इंजन ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, 1.5 लीटर एंड 1.0 लीटर। और जो 1.0 है वो हमारे पास है टर्बो इंजन, टॉप वेरिएंट है ये। और अगर पावर की बात करें तो इसमें हमें मिल जाती है 114 bhp की पावर और 178 nm का टॉप। तो दोस्तों, ये जो इंजन है ये इंडिया में भी बनता है, और फोक्सवैगन और स्कोडा की बाकी गाड़ियों में जैसे रैपिड है उसमें भी यूज़ होता है। और ख़ासकर इस गाड़ी के लिए इस इंजन को काफ़ी बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में जो आपको पावर जो है वो अच्छे से मिलती है, और माइलेज भी जो है वो भी आपको थोड़ी बेटर मिल जाती है। तो बाकी लोगों की तरह मेरे मन में भी एक डाउट था कि ये गाड़ी जो है शायद अंडर पावर होगी 1.5 लीटर के कंपैरिजन में, क्योंकि 1.5 लीटर का जो इसका इंजन है वो माना ताना इंजन है पूरे वर्ल्ड में। तो हमें लग रहा था कि शायद 1.0 जो है उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे हम पावर डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी लीनियर हमें पावर डिलीवरी मिल रही है। चाहे वो गियर कोई भी हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जितने भी गियर्स में हमने इस गाड़ी को ड्राइव किया है, ये गाड़ी में हमें बिल्कुल लीनियर और स्मूथ पावर मिली है। ऐसा नहीं है कि सेकंड गियर में ये गाड़ी जो है वो अच्छे से नहीं उठ रही, या फिर थर्ड गियर में जो गाड़ी अच्छे से नहीं उठ रही, हर गियर में ये गाड़ी जो है जितना गाड़ी को एक लीनियर पावर मिलनी चाहिए, पुश मिलना चाहिए एक्सीलरेटर को दबाने पर, वो हमें यहाँ पर पूरा मिल रहा है। और गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो हल्का सा हैवियर साइड लगा हमें। और यहाँ अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग जो है इस गाड़ी का वो ना तो ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा हैवी है, बड़ा ही स्टेबल स्टीयरिंग जो है हमें फ़ील होता है, कॉन्फिडेंट फील कराता है इस गाड़ी को चलाते हुए। रोड साइड स्टेबिलिटी की बात करें तो ये गाड़ी जो है काफ़ी चिपक के चलती है रोड पर, काफ़ी अच्छे से स्टेबल लगती है गाड़ी जब ये चल रही होती है हाई स्पीड पे। जैसा कि हम हाईवे पे इसको ड्राइव कर रहे हैं तो बड़े ही अच्छे से चलाने में काफ़ी अच्छी फील आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी जो है उतनी स्टेबल नहीं है, या फिर विंड नॉइज़ बाहर से आ रही है, या फिर जो रोड साइड नॉइज़ है वो ज़्यादा है। NVH लेवल जो है वो इस गाड़ी का बहुत काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़ जो इस गाड़ी में हमें अच्छी लगी वो ये कि बैठने के बाद जो फ्रंट साइड विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी में, आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। शार्प कट्स लेते हुए, लेन चेंज करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जहाँ तक बात है ए पिलर्स की, तो ए पिलर्स की वजह से जो आपको विजिबिलिटी की दिक्कत आती है कुछ गाड़ियों में, जब हम टर्न लेते हैं या फिर हम शार्प कट्स लेते हैं, तो उस टाइम पर जो ए पिलर्स की वजह से विजिबिलिटी की दिक्कत आती है वो आपको यहाँ नहीं होने वाली है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको लॉन्ग राइड पे भी जो है थकावट महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि ओवरऑल ड्राइवर सीट हो या फिर रियर सीट्स हो, आपको जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और तो यह हम बात करें इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस की, तो टर्निंग रेडियस जो अच्छा खासा मिल जाता है हमें इस गाड़ी में, काफ़ी अच्छा है। और अभी हम सिरसा हरियाणा में और एक मीरपुर गांव में जा रहे हैं ताकि हम इस गाड़ी को अच्छे से और अच्छे से टेस्ट कर सकें। और ये जो रोड है एक गांव की रोड है जो कि उतनी ज़्यादा स्मूथ और उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उतार चढ़ाव है इस गाड़ी में, हल्के खड्डे हैं, तो एक जो प्लेन रोड होती है बिल्कुल वैसी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम जो फील कर रहे हैं इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो बेहद ही इम्प्रेसिव है।
आपको गाड़ी में बैठ के ऐसा फील नहीं होने वाला है कि जो रोड है, जिस टाइप का रोड है उस टाइप गाड़ी, उस तरह गाड़ी जो है आपको झटके दे रही है हल्के हल्के, वैसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल गाड़ी में बैठ के ऐसा लग रहा है कि आप एक स्मूथ रोड पे चला रहे हैं, लेकिन जो रोड है वो उतना स्मूथ है नहीं। तो काफ़ी अच्छे से छोटे खड्डे जो है, जो ये गाड़ी जो है वो सोख रही है उनको बड़े ही अच्छे से। तो एक ओवरऑल आपको बड़ी ही स्मूथ और प्रीमियम राइड जो है यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पे हम 50 के आसपास की स्पीड पे चला रहे हैं, तो ओवरऑल जो गाड़ी जो है काफ़ी अच्छे से चिपक के चल रही है। और बाकी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको थोड़ी बहुत जो है इंजन नॉइस मिलने वाली है, क्योंकि जैसा कि बताया कि ये 1.0 लीटर का टर्बो इंजन है, इसमें आपको हल्की फुल्की जो नॉइस है उसका सामना करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 1.5 लीटर इंजन। और यहाँ जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एक और चीज़ जो दोस्तों हमने इस गाड़ी में फील की है वो ये कि आपको गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। एक जो पुराना तरीका है डोर्स खोल के बंद करने वाला, और काफ़ी सॉलिड गाड़ी जो है अपने राइवल्स में, मैं कहूँगा कि अपने राइवल्स में सबसे बेस्ट जो है वो ये गाड़ी है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। चाहे वो क्रेटा हो, सेल्टोस हो, उसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो क्रेटा और सेल्टोस जो है वो लगभग सिमिलर है, और उनमें आपको उतनी अच्छी, सेल्टोस को तो आपको पता ही है कि 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग है, तो उनके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि जो स्कोडा है, फॉक्स वैगन है, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी के साथ जो है स्कोडा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, काफ़ी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी आपको यहाँ मिल जाती है। और तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या माइलेज हमें मिली है इस गाड़ी में, और क्या प्रोज और कॉन्स हमें इस गाड़ी में लगे, क्या आपको ये गाड़ी अपने इसके कंपैरिजन में, इसके जो राइवल्स हैं उनके कंपैरिजन में ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों माइलेज की अगर बात करें तो हमने ये गाड़ी जो है ओवरऑल 80 की स्पीड के आसपास चलाई है। हमने बिल्कुल भी इस गाड़ी को रफली ड्राइव नहीं किया है, एकदम से पुश किया और एकदम से ब्रेक्स लगाई, ज़िगज़ैग चलाया, ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं किया है। बड़े ही स्मूथ तरीके से हमने इस गाड़ी को ड्राइव किया है। तो यहाँ जो हमें माइलेज मिली है इस गाड़ी से और जो मीटर ने शो किया है वो है 17 से 18 के बीच में, और जो कि एक काफ़ी अच्छी माइलेज है जो कि कंपनी क्लेम करती है, और वही माइलेज जो है हमें मिली है। तो अगर आप ये गाड़ी ख़रीदने वाले हैं और अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को 80 के आसपास, 80-90, तो आपको काफ़ी अच्छी माइलेज जो है ये गाड़ी दे सकती है। अदरवाइज़ आपको ये गाड़ी जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चलाते हैं, उस हिसाब से आपको माइलेज जो है वो मिलने वाले है। और यहाँ हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स की कि क्या इस गाड़ी में हमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या ये आपको गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो जो फीचर्स हैं इस गाड़ी में, हमें रिक्वायर्ड के सारे फ़ीचर मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ड्राइविंग में अच्छी है, कम्फर्ट में अच्छी है, और ओवरऑल जो है बिल्ड क्वालिटी जो इस गाड़ी की वो अपने राइवल्स में मैं बेस्ट कहूँगा। तो ओवरऑल ये गाड़ी जो हमें काफ़ी अच्छी लगी। और कॉन्स की बात करें तो कुछ कमियां जो हमें लगी वो यही कि इस गाड़ी में हमें टॉप वेरिएंट्स में अपने राइवल्स के कंपैरिजन में पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है। तो क्या ये हमें गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है हमें रिक्वायर्ड फ़ीचर्स मिल जाते हैं, एक कंप्लीट पैकेज है ये गाड़ी फ़ीचर्स का, बिल्ड क्वालिटी का, तो डेफिनेटली हमें ये गाड़ी जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो ये था ओवरऑल माय एक्सपीरियंस विद दिस कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।